हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्गू पापा। और अभी हैं हम मुक्तेश्वर मंदिर में, तो यहाँ से पीछे आप देख लीजिए कैसा नज़ारा। पीछे मंदिर है, पूजा हमने कर ली है, अब सीधा निकल रहे हैं आगे। मुक्तेश्वर धाम है ये, ऊपर मुक्तेश्वर बाबा का मंदिर है, वहाँ से हम अभी आए हैं। और अब देखो नीचे जा रहे हैं, बहुत नीचे है, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है जो कर रहे हैं। वापस गाड़ी में बैठ के निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। और आज नींबू मिक्स जूस, ये यहाँ के नींबू है पहाड़ के, पता नहीं है क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो अभी हम जागेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं और अभी बस रोड पे ही है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पौन घंटे में फिर जागेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं आपको। ये हमें चीड़ का फूल यहाँ पे मिल गया है, इसे हम अपने साथ लेके जाएंगे, इसको धो के इस पे पेंट करेंगे। हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, अभी यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर आगे है, लेकिन पहले से ही ये टेम्पल आने स्टार्ट हो गए हैं। पीछे पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देवदार के पेड़ हैं पीछे और चीड़ के पेड़ चले गए और पीछे, वो हमें मिले ही नहीं। ये देखो महादेव के दर्शन हो चुके हैं यहीं से ही, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये आप देख लो मेरे पीछे है जागेश्वर धाम का पहला टेंपल है, इसके आगे जाएंगे अभी और भी ज़्यादा टेंपल्स हैं। तो अभी तो हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख रहे हैं मंदिर को और फोटो, हमारे लिए तो ये नया है बिल्कुल, और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हमने फ़ोटो में कोई चीज़ देखी और फिर तुम उस जगह पर पहुँच जाओ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। कुबेर मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। Hours later. हम जागेश्वर धाम से दर्शन करके सीधा आ गए हैं बिनसर, KMVN बिनसर आ चुके हैं। यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं आज रात को, और यहाँ पे 9 बजे के बाद लाइट नहीं होती है और कोई पावर बैकअप भी नहीं है, तो मोमबत्ती में रहना पड़ता है। ये हमारा रूम है, हमने यहाँ पे अभी सामान तो लगा लिया है, कैसे चाचा ने भी बताया कि इस लाइफ के लिए हम तरस गए हैं कि बिना बिजली के और बिना फोन वोन के एंजॉय करेंगे। द नेक्स्ट डे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और के पापा। और अभी हम आए हैं बिनसर बर्ड सेंचुरी में, रात को यहीं स्टे किया था हमने KMVN में। पूरी टीम हमारी निकल चुकी है जंगल में और बर्ड्स को ढूंढने हम जा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं हमें कोई बर्ड्स मिलेंगे, पर यहाँ पर रुकने में बहुत अच्छा लगा। तो हम रुके थे कुमाऊँ मंडल विकास भवन टूरिस्ट रेस्ट हाउस में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर रुक के, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और बहुत सफाई भी थी यहाँ पर। इससे पहले हम रुके थे TRH मुक्तेश्वर में, वहाँ का स्टाफ ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो मतलब हमें वहाँ रह के ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, सफाई भी नहीं थी वहाँ पर, लोकेशन अच्छी थी बस। तो अगर आप KMVN बुक करते हो तो ये देख के करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारे बर्ड्स हैं, अगर हमें कोई मिल गया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, नहीं मिला तो बस हमें देख के खुश हो जाना, कल शाम तक ही हम वापस घर पहुँच पाएंगे और फिर वही अपनी नॉर्मल लाइफ। एविएशन वाले शॉट्स आपको डेली मिलते रहेंगे यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। और एक सबसे ख़ास बात जो वीडियो में मैं आपको शायद दिखा दूँगा कि वहाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है,
लाइट यहाँ पे बहुत कम आती है, 2 घंटे या 4 घंटे के लिए, तो कैंडल में ही काम चलाना पड़ता है रात को तो। और पानी 1 बाल्टी सुबह गर्म मिलता है, उसी में आपको नहाना है। और ये 2 महीने हैं मई जून के, जहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ पे धूप निकलती है, वरना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बरसात रहती है या फिर ठंडा ही रहता है मौसम। ये बिनसर है, रास्ता थोड़ा सा टफ है आने के लिए, मतलब वही 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा टूटा फूटा सा है। और अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर जगह है। ब्रांच के फूल के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, और हमें बहुत सारे फूल मिले भी हैं रास्ते में। उत्तराखंड का पशु है तो ये जो है कस्तूरी मृग, ये हमें दिखानी, फोटो में देख के काम चला रहे, मिल गया तो अच्छी बात है। हम लोग फिलहाल ट्रैकिंग करते करते इतने ऊपर आ गए पहाड़ पे कि हमें यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। आगे रास्ता कहीं नहीं दिख रहा, ये नीचे का पूरा है, वो ट्रैक है नीचे वाला मेन रास्ता जो है, और हम ऐसे पहाड़ों में चल रहे हैं बस। ये रुद्रा रुद्रा के पापा जा रहे हैं पकड़ पकड़ के, और भाई हम भी धीरे धीरे चल ही रहे हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस है लाइफ का। जितने भी आपको पहाड़ियाँ यहाँ से दिख रही है ना, ये सब इस पहाड़ी से छोटी है, मतलब नीचे हैं। हम फिलहाल सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पे हैं, 0 पॉइंट है ये। इसके ऊपर यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है, और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगा है। 2 किलोमीटर की हाइट है ये। इन्होंने यहाँ पे मतलब यहाँ से व्यू पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे आके आप आराम से फोटो वोटो खिंचा सकते हो। I don't need their false sympathy. What I need is a hand to hold.